योगी सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना थी गौशाला बना करके अन्ना जानवरों के रखरखाव के लिए जिस तरीके से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए, और उसके बाद एक बड़ी खबर आती चित्रकूट से जहां पे मानिकपुर विकासखंड के चुरे का सिरुआ स्थित इस पशु गौशाला में यहां पे अब तक सैकड़ों गायों की मरने की सूचना बताई जा चुकी है। और कल जब हिंदी खबर की टीम यहाँ पर पहुंची तकरीबन आधा दर्जन गाय मर चुकी थी और भूख से तड़प रही इन गायों के मरने का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और पोस्टमार्टम जो हिंदी खबर की खबर चलने के बाद देर रात तक पोस्टमार्टम किया गया, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन स्थिति देख सकते हैं आप, भूख से मरने के बाद गायों की स्थिति क्या हो गई है, करोड़ों रुपए के पैसे का बंदरबांट किस तरीके से किया जा रहा है जिले में और समूचे प्रदेश में यही हालात हैं। और लगभग जो गायें हैं और गौवंश हैं उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है और खाने को नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर योजनाएं क्यों आती हैं और खासतौर पर जान से खिलवाड़ क्यों किया जाता है जानवरों की, ये एक बड़ा प्रश्न है। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए हैं, जांच का उन्होंने निर्देश दिया है, ठोस कार्यवाही का उन्होंने आश्वासन दिलाया है मीडिया को, लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर क्या सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, गायों के पीछे मरने का सही कारण आता है, क्योंकि भूसा कल डाला गया, चारा कल डाला गया, गायों की जान बची और स्थानांतरित कर दिया गया है दूसरे पशुवाड़े में। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ हो पाता है। चित्रकूट से अनुज हरमत, हिंदी खबर। देखिए, यहाँ पे एक ऐसा ही गौशाला बनाई गई थी ग्राम पंचायत के द्वारा, तो यहाँ पे करीबन जैसा बताया जा रहा है करीबन 200 करीब पशु यहाँ पे थे और कुछ यहाँ पे कल सूचना मिली कि कुछ पशुओं की यहाँ पे मृत्यु हुई है, तो किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है कि तो उसके एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पे कराई जा रही है और प्रॉपरली जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई संबंधित के खिलाफ की जाएगी। बट प्रथम दृष्टा ये बताया जा रहा है कि थोड़ा यहाँ पे कुछ चारा शायद टाइम पे पशुओं को नहीं दिया गया, तो उसके संबंध में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई प्रथम दृष्टा यहाँ पे अभी निर्देश दे दिए हैं उस चीज़ के लिए। सर, आसपास भी कई पशुबाड़े ऐसे हैं मानिक विकासखंड में, तो क्या उसकी सघन चेकिंग होगी? नहीं, सभी के लिए अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सभी को ऑर्डर्स हो गए हैं कि सभी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, सभी वीडियो, सभी SDM जितनी भी गौशालाएं हमारे जनपद में हैं सबको आज विजिट कर लेंगे और जो ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे पानी की और चारे की सुविधाएं सब जगह पर्याप्त हो और किसी भी तरह की विसंगति किसी भी जगह पे अगर नजर आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट में सामने आया है तीन पशुओं की मृत्यु पॉलीथीन खाने की वजह से हुई है, जिनमें 10 से 15 किलो तक पॉलीथीन मिली, पॉलीथीन बैग जो यूज करके लोग फेंकते थे। दो पशु भूख और प्यास से मरे, एक पशु उसमें केवल पानी की कमी पाई, कुल 6 पशु। क्या ओवरऑल कहा जा सकता है कि भूख के कारण या जिस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं थी उस कारण मौत हो? मैनेजमेंट में कमी तो है,